समुद्र को बड़ा घमंड था अपने आप पर कि पूरी दुनिया को डुबो सकता है। कहीं से तेल की एक बूंद आई और समुद्र का घमंड चूर चूर कर दिया। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज का घमंड मत करना। हर एक ईंट सोचती है इमारत मुझ पे टिकी है, वहीं एक ईंट निकालकर पूरा दरवाजा बना दिया। जहाज अगर समुद्र में ना उतारा जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ नया नहीं किया तो तुम्हारा जीवन भी उसी समुद्र के किनारे खड़े जहाज की तरह है जो कभी समुद्र में उतारा ही नहीं जाता। चिड़िया से पूछा, कैसे बना आसियाना? तो बोली, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और एक एक तिनका उठाना पड़ता है। जिंदगी में एक बड़े की शुरुआत छोटे से ही शुरू होती है। एक एक बूंद से ही तो समुद्र बनता है। नदियां कभी किसी से अपना रास्ता नहीं पूछती, बस चलते जाती हैं और एक दिन वे अपने समुद्र तक पहुंच ही जाती हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, छोटे से शुरू कर रहा हूं या बड़े से, बस शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता तुम्हारे कदम चूम रही होगी। वीडियो के अंत में निजा फाजली जी की कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, अगर तुम खुद को बदल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, अगर मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। दोस्तों, ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे।